एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ एक एसी में काम करने के लिए। जो मेरा फ्रेंड ने दिया है वो अपना लीड मुझे दिया, ठीक है। वो अभी गांव में है तो चलो उसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसने बताया कि उसमें गैस लीकेज है, क्योंकि एसी ऑन तो हो रहा है पर ठंडा नहीं कर रहा है। कस्टमर ने मेरे दोस्त से ऐसा बताया, तो उसके लीड पर मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो से वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को सपोर्ट करो। फिर चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे, क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। मैं टोटल जानकारी बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देखो, अगर कुछ देखना है कुछ सीखना है तो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से मैं जा रहा हूँ कस्टमर के साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आगे जाके मुझे राइट होना, और थोड़ा मोड़ा इधर का मैं आप सभी को दिखा भी देता हूँ कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह क्या रहता है इधर के इलाके में। अभी इधर थोड़ा मार्केट उर्केट है ना, तो मार्केट वैसे थोड़ा इस वाला रोड पर थोड़ा है, मतलब गाड़ी वाड़ी, बाकी आगे खाली मिलेगा। और मार्केट में थोड़ा मोड़ा भीड़ तो रहता ही है, बट यहाँ से थोड़ा आगे जा करके मुझे बहुत ज़्यादा खाली मिलेगा रोड। तो लगभग मैं साइड पे आ चुका हूँ दोस्तों, और चलिए दिखाते हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम वगैरह जो भी है सब कुछ को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो देखे दोस्तों यहाँ पे साइड पे आ चुका हूँ, और इस एसी में ना गैस लीकेज था, जो कि मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ अंदर से। ये हवा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पानी वानी हिल रहा है, तो अंदर का पूरा प्रेशर मैं बाहर निकाल रहा हूँ। और साथियों यहाँ पे देखो कि पूरा प्रेशर निकाल दिया, और यहाँ पे देखो जो मुझे एक जहाँ पे लीकेज मिला है। कैसे लीकेज पता करेंगे? बगैर प्रेशर डाले हुए तो दोस्तों एक माध्यम होता है कि कॉइल में से अगर ऑयल आ रहा है ना अंदर से, तो वो लीकेज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये ऑयल आया हुआ है, मेरा हाथ देखो पूरा यहाँ पे ये हो रखा है, मतलब ऑयली ऑयल टाइप हो रखा है, ठीक है। ये पानी का नहीं बल्कि तेल आ गया, अंदर से तेल आ गया है बाहर में, जो कि प्रॉपर देख सकते हो। यहाँ पे पूरा सूखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे गीला हुआ है, फिर यहाँ पे पूरा सूखा हुआ है, फिर बाकी नीचे कॉइल वगैरह भी सब कुछ सूखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं प्रेशर तो तब भी डालूंगा, फिर मैं लीकेज दिखाता हूँ आप सभी को। मैम अभी पेज खोल रहा हूँ मैं, बस पेज क्यों खोलना मैम? वो ये कॉइल निकालना है ना बाहर, तो इसीलिए इसको खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है कॉइल। तो फाइनली कॉइल खोल लिया दोस्तों। अब मुझे इधर का यू बैंड चेक करना है। कस्टमर बोल रहा था कि इसे क्यों खोल रहा है भाई, इधर का लीकेज तो चेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर तो इधर से ही लीकेज था, जो कि ऑयल आया हुआ है और लीकेज भी है ये। तो यहाँ पे देखो ऑयल वेल आया हुआ है, तो ये लीकेज है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों इसमें हम प्रेशर डाल रहे हैं, कंप्रेसर से 200-300 PSI में डालूंगा, ठीक है, जो कि कंप्रेसर में लगा हुआ है। तो प्रेशर डाल दिया 300 PSI, और इधर देखो दोस्तों जैसा कि मैं बोल रहा था इधर से ऑयल आया हुआ है, तो ये लीकेज हो सकता है। तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे ना नीचे से लेकर ना मैं ऊपर तक पूरा का पूरा यू बैंड रिपेयर करूँगा, ठीक है। अब इधर दोस्तों ये जो ऑयल आया हुआ था, देखो यहाँ पे पहले मैं आप सभी को बताया था यहाँ पे ऑयल आया हुआ है, तो ये लीकेज है ना। तो इसको हम, मतलब अगर मान लो कई बार आपको पास प्रेशर डालने का ना हो तो अंदाज़ा लगा करके आप लोग रिपेयर कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑयल नहीं आया हुआ था, लेकिन मैं सरफ पानी का जो झाग डाला हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे लीकेज मिला। देखो यहाँ पे बबल आ रहा था पहले भी, पानी वैसे हट गया वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों दो वो जो लीकेज है ना इस साइड में, चलिए इसको रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लीकेज वीकेज का बबल दिख रहा होगा आपको, दो लीकेज है यहाँ पे। तो फाइनल दोस्तों ये पूरा जो यू बैंड था नीचे से लेके मैं ऊपर तक इसको मैं रिपेयर कर दिया हूँ, ठीक है। इस वाला ब्रुश से दोस्तों, तार ब्रुश से घिस लेना चाहिए रिपेयरिंग करने से पहले इसको, है ना। और मैं क्या चीज़ से रिपेयरिंग किया दोस्तों, ये LPG है, LPG कैन से मैंने रिपेयरिंग किया है। अब इधर दोस्तों यहाँ पे जो आ रहा था ऑयल, तो अब इसको मुझे रिपेयरिंग करना है। तो पूरा पूरा मैं यू बैंड यहाँ से जो लीकेज था, जितना भी लीकेज था सबको रिपेयरिंग करूँगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक को हम खोल लेंगे, क्योंकि वो प्लास्टिक जल जाएगा। तो हमेशा याद रखें, सेफ्टी का ख्याल रखें ताकि प्लास्टिक वगैरह ना जले। तो चलिए अब ये प्लास्टिक जो है उसको हम खोल लेते हैं। तो उससे पहले वैसे तो मैं नीचे ना एसी को मैं उठा दिया हूँ, ताकि इस साइड से जब मैं LPG कैन लगाऊँ ना, तो मुझे को अच्छे से लगाने में सुविधा हो। टेढ़ा मेढ़ा करके LPG कैन कभी नहीं लगाना चाहिए यू बैंड के ऊपर हीटिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उठाया था कि जो मेरा ये LPG कैन है ना, वो पूरा स्ट्रेट सीधा रहे, ठीक है। आप दोस्तों मुझे रिपेयरिंग करने में भी सहूलियत होगा, और दोस्तों मेरा LPG भी कैन सही से मतलब लगा रहेगा। तो ये प्लास्टिक मैं यहाँ से हटा लिया हूँ, देखो यहाँ से हटा दिया हूँ ना, ताकि वहाँ वो प्लास्टिक जले ना मेरा। तो ये प्लास्टिक मैंने हटाया था, अब लगा दिया है मैंने, तो ये प्लास्टिक लगा चुका हूँ दोस्तों मैं। अब इसको मुझे रिपेयरिंग करना, जो वाला लीकेज हो गया था, तो यहाँ से ये लीकेज था ना, चलिए रिपेयरिंग कर लेते हैं इसको। तो सब कुछ रेडी है, चलिए अब इसको रेडिंग करते हैं और इसको वेल्डिंग कर लेते हैं।
तो गाइस मैंने प्लास्टिक हटा दिया था वहाँ पे सुविधा के हिसाब से। तो अब दोस्तों प्लास्टिक को मुझे वहाँ से हटाना है ना, तो इसलिए इसको मैं जल्दी ठंडा कर रहा हूँ ताकि मुझे जो वेल्डिंग करने में ना दोस्तों नीचे का यू बैंड सब ना थोड़ा आसानी हो। तो इसलिए मैं अब इसको हटा के साइड में कर देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ठंडा किया था, और कोई रीज़न नहीं। तो अब मैंने सब कुछ को रिपेयर कर लिया दोस्तों, पूरा कंडेंसर रिपेयर कर दिया ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे कि आपने देखा होगा। कूलिंग कॉइल भी रिपेयरिंग कर दिया। अब इसमें हम प्रेशर डाल लेते हैं और फिर इसका लीकेज चेक करते हैं कि कहां से लीकेज है, कहां से लीकेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रेशर डल रहा है इसमें, और मैंने पूरा इधर का यू बैंड देखो ऊपर से लेकर नीचे तक रिपेयर किया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लीकेज था। तो कस्टमर ने बोला कि गर्मी भर कैसे कैसे चला दो, ठंडी में तो फिर चलता ही नहीं है, इसलिए अगले साल इसका हम कूलिंग कॉइल चेंज करवा लेंगे। तो इसलिए मैंने इसको रिपेयरिंग किया है, वरना मैं चेंज ही करता, कोई ठीक नहीं कि रीबीच ना आ जाए कहीं से। और यहाँ पे देखो दोस्तों पेड़ पौधा वातावरण पूरा जंगल वंगल जैसा है, काफ़ी सही लग रहा है। तो अच्छा खासा पेड़ पौधा इधर लगा रखा है कस्टमर ने। तो हमने दोस्तों लीकेज के चेक कर लिया पूरे में, कहीं भी लीकेज नहीं। अब सर्विस कर लेते हैं इसका। तो चलिए अब इसका हम सर्विस कर लेते हैं गन से। तो अब मैं इसका ब्लोअर भी मतलब साफ़ कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदा था, इसलिए मैं इसको गन से साफ़ कर रहा हूँ। और आप लोग करते हैं कि नहीं ब्लोअर को साफ सफाई, बताओ। तो अब मैं एसी को सर्विस कर लिया हूँ पूरा कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे ना अब इसका कूलिंग कॉइल है ना वो मैं फिट कर लेता हूँ, क्योंकि कूलिंग कॉइल मैंने निकाल लगा था बाहर, और देखो कितना अच्छी तरीके से मैंने सर्विस किया है पूरा एसी का। अब दोस्तों ऊपर का मैं ढक्कन उक्कन जो भी मैंने निकाला था सब पेच उच फिट कर दूंगा। फिर इसमें मैं ना गैस डालूंगा, जो कि मैं कैबिनेट में लगाने के बाद ही गैस डालूंगा। तो देखिए दोस्तों इस पूरा एसी को सर्विस कर लिया मैंने कंप्लीट। देखो कितना ज़्यादा कचरा नीचे भरा हुआ था। अब चलिए इसको हम कैबिनेट में लगा लिए हैं, और देखो कैबिनेट में लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से मैंने चार्जिंग ना निकाला है, यहाँ से नीचे गया हुआ, नीचे से दोस्तों यहाँ पे सिलेंडर है, एम्पियर है, गेज है। अब यहाँ पर एमसीबी को मैं ऑन कर दूँगा। तो एमसीबी को ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ऑन ऑफ है। तो यहाँ पर कूलिंग ऑन कर दिया मैंने एसी को, ऑन के बाद कंप्रेसर स्टार्ट हो गया दोस्तों, R22 गैस है इसमें।
और यहाँ पे एम्पियर 5 ले रहा है, यानी कि एम्पियर तो ठीक ठाक ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब इसमें बैक प्रेशर 0 है, पर इसमें चलो आप गैस कंप्लीट करते हैं, जो कि 22 नंबर का जो बैक प्रेशर रहेगा, यानी जब एसी चलता रहेगा तब रहेगा 60 PSI होना चाहिए, जो कि मैं डाल रहा हूँ। वैक्यूम मैंने कर लिया है दोस्तों, अगर आपको वैक्यूम कैसे करते हैं इसका वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग चेक कर लेना ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और मैं वैक्यूम भी डालूंगा। तो देखो यहाँ पे गैस कंप्लीट हो गया 60 PSI ठीक है, और इसका एम्पियर भी 5 ले रहा है, 6 ले रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।